करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, बर दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 107 ईयर ओल्ड ऑर्गेनिक फार्मर पद्मा शेरी पापा माल ब्लेस पीएम मोदी एट ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस। क्या बात है। तो ये जो अवार्ड दिए गए भाई साहब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की वजह से, उनको जो दिया गया अवार्ड 107 ईयर की लेडी हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं? 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। छोटी सी वीडियो थी और ये जो पद्मा श्री अवार्ड दिए गए इस दफा, तो ये जो नॉर्मल गरीब तबके के लोग थे उनको दिए, जो इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, जो जिन्होंने कोई साइंस में बड़े बड़े कारनामे नहीं किए जी, उन्होंने छोटे लेवल पर अपने औकात से ज्यादा बड़े काम किए। ऐसी बात। तो ये जो अवार्ड है उनको दिए गए और ये इससे ना वो क्या थी, बंदे को एक हौसला अफजाई होती है भाई लोगों की कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई की हम पे भी नजर रखी जाती है। तो ये भाई साहब एक जो कहते हैं कौम को जिंदा रखने के लिए ऐसे लोग जो है बहुत जरूरी होते हैं। और मैं हैरान हूँ यार, 107 साल, अब तो शायद हमारे गाँव में भी कोई एक आध बंदा भी ना बचा होगा। पहले थे, पहले भाई साहब हमारे गांव में भी बिल्कुल थे, लेकिन वो चार भाई के ऊपर होते थे ना, ये भी तो चेक कर। नहीं, एक थे इधर बुजुर्ग साधक, साधक नाम था उनका, वो भाई प्रॉपर तरीके से इतनी नजर उनकी इस एज कुरान पर पड़ती, कुरान की तिलावत किया करते थे। सही बात, इससे अक्सरियत तो चार भाई के ऊपर ही बैठे रहते थे। हाँ ये मतलब वर्क तो वो इतनी सख्त तो नहीं ना, बंदा काम करता रहे तो तगड़ा रहता है। ये बात है, काम बंदा छोड़ दे तो भाई साहब कमजोर हो जाता है तत्ता। तो ये भाई साहब मौजम जो है ना वो माई के बाल देख रहा था, कह रहा था कि भाई इतने बाल घने, इतने जवानों को भी नहीं होते इस एज में आएगा, तो मेरे ख्याल से वो लेंथ भी काफी होंगे। हाँ ऐसी बात लग दिख रहे थे तो भाई साहब वो जो ऑर्गेनिक फूड जो उगाती है भाई साहब उससे ही, उसकी वजह से केमिकल वाला खाना तो खाते नहीं, उसकी वजह से अवार्ड दिया गया। भाई साहब ये बड़ा अच्छा काम है और मोदी जी का जो प्यार था ना वो जिस तरह वो दिख रहा था भाई साहब, जिस तरह रिस्पेक्ट कर रहे थे जैसे अपनी माँ, जैसे अपनी माँ, सही बात दिख रहा था। तो ठीक है भाई, बड़ा ही अच्छा लगा देख के। और कोई ऐसी प्यारी मूवमेंट हो तो जरूर बताइए, शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अच्छा लगा देख के भाई साहब, और ये अगर इस तरह के फूड जो है वो पूरे इंडिया में हो तो कई बीमारियों से बंदा बच जाए। बिल्कुल वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये भी देखो ना इन केमिकल के आने से बीमारियां कितनी डिवेल्प हुई, उम्र कम हो रही है ना भाई, एक आध नहीं हजारों बीमारियां डिवेल्प हुई है। ये जो खाद वाले गंदम खाते हैं, हम जवान है ना, बिल्कुल कितनी एज है हमारी, 28-29 बस यही है ना। तो सर के ऊपर बाल नहीं है, जो है वो भी भाई सफेद हो चुके हैं। और भाई साहब जब सुबह केमिकल्स की वजह से उठते हैं तो मुंह में करवाट करवाट सी महसूस होती है, मेदे खराब है हमारे, वो केमिकल वाली जो सब्जियां खाते हैं, जो गंदम खा रहे हैं। हालांकि हमारा गांव में रहते हैं
माहौल शहर की निस्बत तो अच्छा ही है ना। हाँ माहौल तो अच्छा है, बड़ा फर्क पड़ता है ये खादों का। जो कुदरती तरीके से मतलब गाय की फसल वैसा उसकी जो ना भी नहीं ताकत उसकी शीरी उसकी देख लो, पहले बढ़िया पहले कोई एक आधी बीमारी पता था कैंसर है या कोई टीबी है बस, इसके ज्यादा और कोई इतनी बीमारी का नाम ही नहीं आता। अब तो भाई इतनी इतनी बीमारियां आ गई बंदा, और उनकी रिपोर्ट्स इतनी है नाम भी नहीं आते भाई साहब उनके तो रिपोर्ट ठीक है भाई। बड़ा ही प्यारा था जो मोदी जी का स्टाइल है ना कि जो जो बड़ों की इज्जत करते हैं छोटों से प्यार करते हैं जी, इनका ये जो रवैया ये दिल जीत लेता है। तो ठीक है भाई मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।